श्री भगवान बोले, हे पार्थ सुन, तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को निःसंदेह जान जाएगा। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। हे महाबाहो, इस जड़ युक्त प्रकृति से उत्तम मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। हे धनंजय, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, तथा संपूर्ण वेदों में ओम हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत शर्भ, मैं बलवानों का बल तथा राग से रहित पराक्रम हूँ, मैं सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझो, पर मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वे मुझ में हैं। इन तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के भाव से यह सारा जग भ्रमित है, इसलिए वह इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है, किंतु जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। पाप कर्म करने वाले तथा मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाले लोग, जिनका ज्ञान माया द्वारा खत्म हो चुका हो तथा वह आसुरी भाव युक्त हो चुके हों, वह मुझे नहीं भजते, अर्थात मेरी शरण में नहीं आते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं, जो दुख से परेशान है, जिसे धन की चाह है, जिज्ञासु और ज्ञानी। हे भरत शर्भ, उन 4 भक्तों में भी मुझे निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। ये सभी भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि ऐसा भक्त जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ में लीन हो तथा मुझे प्राप्त करना ही उसकी सर्वश्रेष्ठ कामना होती है। अनेक जन्मों के अंत में, अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है,
ऐसा मानकर जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भौतिक इच्छाओं की कामना से जिनका ज्ञान खत्म हो चुका हो, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं के शरणागत होकर नियम का पालन करते हुए उन्हें भजते हैं। सकाम भक्त श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है तथा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए अपनी इच्छित कामनाओं को निसंदेह प्राप्त करता है। अतः उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को सीमित फल ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त रूप से मुझ परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। मैं अपनी योग माया से आवृत सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता हूँ। यह मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान सकता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद के मोह से मोहित होकर समस्त प्राणी मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। हे परंतप, परंतु जिन पुण्य कर्मी पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे मानसिक द्वंद के मोह से मुक्त होकर निष्ठापूर्वक मुझे ही भजते हैं। जो मेरे शरणागत होकर बुढ़ापा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में मुझे ही प्राप्त होते हैं।